हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कौमी तंजीम की जिम्मेदारी है महाराष्ट्र में आपसी प्रेम सद्भाव और भाईचारे को कायम रखने की। सांसद तारिक अनवर, मुंबई से हिंदुस्तान की आवाज के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार के साथ मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे को कायम का संदेश हमको दिया है, उसका पालन करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र कौमी तंजीम के संगठन और उसके लोगों की है। ऑल इंडिया कौमी तंजीम महाराष्ट्र के अध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मुनाफ हकीम के संयोजन में मुंबई के आज़ाद मैदान स्थित मराठी पत्रकार संघ में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑल इंडिया कौमी तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व सांसद तारिक अनवर कौमी तंजीम के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें सीख दी है हमको उसका पालन करना होगा। आज फिरका परस्त ताकतें देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। हमको इसके विपरीत देश और महाराष्ट्र में आपसी प्रेम और लगाव तथा भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़कर काम करना चाहिए। हमारा देश अमन और शांति का देश है। उन्होंने अपने भाषण के समापन पर संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुनाफ हकीम ने तारिक अनवर को शाल और गुलदस्ता भेंटकर उनका अभिनंदन किया और सभी लोगों के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विधायक अमीन पटेल, पूर्व विधायक रसीद ताहिर मोमिन, निजामुद्दीन रायन, यूसुफ पंजाबी, डॉक्टर सत्तार खान, मुनाफ देवटे, बिल्किस बेगम, जुनेद पटेल के अलावा कौमी तंजीम के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आसिफ मुनाफ हकीम और उनके सहयोगियों ने भरपूर सहयोग दिया। अब हम आपको तारिक अनवर और अन्य लोगों के विचारों से अवगत करा रहे हैं। आप सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कौमी तंजीम अपनी बुनियाद से लेकर आज तक वो फिरका परस्ती, नफरत और घृणा के खिलाफ हमेशा जंग करती रही है, लड़ाई करती रही है और आगे भी कौमी तंजीम ये काम करेगी, क्योंकि ये देश गांधी का देश है, नेहरू का देश है, मौलाना आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस का देश है, तो यहाँ किसी तरह फिरका परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। और हम सब लोग समाज में जितने भी हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के हम बाशिंदे हैं और हम सब मिलकर एक आपसी भाईचारगी में रहना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार की जो कोशिश रहती है कि लोगों को बांटा जाए, नफरत फैलाया जाए, अब कौमी तंजीम उसका मुखालफत करती और आगे भी करती रहेगी। जैसे कि महाराष्ट्र में लोकसभा में एक भी अल्पसंख्यक के लोगों को टिकट नहीं दी गई, तो इस बार विधानसभा में कौमी तंजीम की क्या तैयारी होगी? देखिए, ऐसा है कि हमारा उद्देश्य है कि सेकुलर ताकतों को मजबूत करना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम समुदाय से टिकट मिला या नहीं मिला, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि सेकुलर पार्टी कामयाब हुई। सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा तो इस मुल्क के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है वो भी जिंदा रहेगी। सर, 82 जगह FIR हो चुका है रामगिरी महाराज के ऊपर, कुछ जगह पे FIR हुआ है, लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया और यहाँ के CM कहते हैं कि महाराज सरकार उसके साथ खड़ी है। देखिए, ऐसा है कि ये तो प्रशासन का मामला है और अगर नहीं होता है तो फिर लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के ज़रिए उनको वारंट होगा। एक हमारे पास से अदालत का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन इंडिया एयरलाइंस की तरफ से भी उनके जो बयान था उसके लिए निंदा नहीं की गई इंडिया एयरलाइंस की तरफ से, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ऐसा नहीं है, हर मामले में जब जब जहाँ भी जनरल लोगों ने उसकी मजम्मत की है, हर आदमी उसकी मजम्मत कर रहा है। सर, ठीक है, बॉम्ब लिंचिंग का मामला जो है लगातार चलते चलते माइनॉरिटी को निशाना बनाया जा रहा है और कल भी बॉम्ब लिंचिंग हुई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद है और हम समझते हैं कि ये जो है सरकार की शह पर हो रहा है। अगर सरकार की शह नहीं होती, अगर उनका समर्थन नहीं होता तो इस तरह की मॉब लिंचिंग का वाकया नहीं होता। लेकिन ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रही है, क्योंकि इनकी पूरी जो
सियासत है वो नफरत और घृणा पर है। कौमी तंजीम की तरफ से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देंगे, महाराष्ट्र के लोगों को खास तौर पर देंगे कि आने वाले विधानसभा में वो सेकुलर ताकतों को सत्ता में लाने का काम करें, हुकूमत में लाने का काम करें। अगर सेकुलर ताकतें यहाँ सरकार बनाएगी तो उससे इससे महाराष्ट्र के अंदर जो जो सामाजिक सद्भाव है वो बना रहेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई मराठी पत्रकार संघ के कार्यालय के नीचे और हमारे साथ में मौजूद हैं ऑल इंडिया कौमी तंजीम के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, जो पहले महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन भी थे, मुनाफ हकीम साहब, जिसे शायद ही महाराष्ट्र का कोई बच्चा बच्चा ना जानता हो। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौमी तंजीम की आपातकालीन बैठक आज क्यों लेनी पड़ी, उसका क्या मकसद था? देखिए, मकसद ये था कि कौमी तंजीम का काम लगातार कई अरसे से चल रहा है, तकरीबन 40-45 साल से चल रहा है, जिसमें एक बार बार इस तरह की जो राज्य लेवल की जो कमेटियाँ होती है उसको तब्दील किया जाता है, और वो जब तब्दील करने का काम होता है तो उसकी मान्यता हमको राष्ट्रीय स्तर से लेनी पड़ती है। और इसलिए अचानक तारिक अनवर साहब ने इस बात को कबूल किया और उन्होंने महाराष्ट्र की कार्यकारिणी को, हमारी नई जो स्टेट एग्जीक्यूटिव को, मान्यता दी, और इसलिए हमको फौरी तौर पे महाराष्ट्र के सभी इलाके के लोगों को यहाँ पर बुलाना पड़ा। ये एक तारीखी मुकाम है, ये यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम लोग यहाँ पर काम करते रहे, मराठी पत्रकारिता में जिन लोगों ने काम किया, आचार्य अत्रे से लेकर आज तक जितने लोग काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे इस संघ से जुड़े हुए हैं। और आज़ादी के दौर में ये मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस रहा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के महान नेता जिनका स्वतंत्रता सेना आंदोलन से ताल्लुक रहा, वो सभी लोग इससे जुड़े हुए थे, वो यहाँ आते थे। और इसीलिए अब ये जिम्मेदारी थी हमारी कि हमारे जो नए पदाधिकारी है उनको इस बात की जानकारी देना कि आज जो आप सब हम काम कर रहे हैं, ये दौर जो है नए स्वतंत्रता आंदोलन का है, ये आज के दौर में हम फिर एक ऐसी जंग के लिए जा रहे हैं कि ये देश का संविधान खतरे में है, और इसके लिए अगर लड़ना है तो आप सब लोगों को एक साथ होकर मैदान में उतर के लड़ना होगा। इसीलिए आज सभी को यहाँ पर बुलाया गया और सभी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, और हमारे तारिक अनवर साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो यहाँ पर आए थे, और उनका आना भी एक तरह से इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंधित है। स्वतंत्रता सैनिक परिवार का एक बंदा जो कौमी तंजीम को चलाता है, जिसमें कौमी तंजीम का हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, जो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो मगर वो इस कौमी तंजीम से जुड़ा हुआ है, और ऐसे लोगों को लेकर हमको महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना है जिस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ये धर्मांध शक्तियां कर रही है, और वो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं छोड़ा, और इसके पहले उन्होंने हर तरह से कांग्रेस के महान नेताओं को बदनाम करने की साजिश की है। अब इनको ग्रास रूट लेवल पे जाके इसलिए घेरना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव में सभी धर्म के लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिए हैं और ये घबराए हुए हैं। अब धर्म के नाम पर ये लोगों को बांटना चाहते हैं, हमको उसके बीच में दीवार बन के खड़ा होना होगा, और हमको इनके ये जो बुरे ख्यालात हैं इसे सबको बचाना होगा, इस देश को बचाना। जैसा कि पुरानी कमेटी के साथ साथ में आपने कुछ नए चेहरों को मौका दिया है, तो आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, उम्मीद ऐसा है कि नए चेहरे इसलिए साथ में लिए गए
उसमें कई युवाओं को साथ में लिया गया। मकसद हमारा ये है कि नए लोगों को भी काम करने का मौका मिले और वो एक आंदोलन से जुड़े। अब इसमें हमारी कौमी तंजीम से जो लोग जुड़े हैं, ना इनको लोकसभा का टिकट चाहिए, ना विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं हम ना किसी चुनाव के लिए मैदान में आ रहे हैं। बस ये है कि जो माहौल बिगाड़ रहे हैं देश का, उनके ख़िलाफ़ और इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और इसलिए कौमी तंजीम का हर सिपाही नया पुराना सब एक साथ होके मैदान में लड़ेगा। देखिए, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने बताया कि कौमी तंजीम के लोग संविधान को बचाने के लिए और सभी जात पात को न देखते हुए सभी के लिए काम करेगा। ऐसे में हमारे साथ में समाज सेवक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट सत्तार साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप ज़रा इसके बारे में बताइए। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, अभी इन्होंने अपने ख्याल पेश किए हैं कि जैसे हम कोई टिकट मांगने के हिसाब से अखाड़े में नहीं उतरे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी ये ध्यान देना चाहिए कि आने वाले चुनाव में जो भी स्वतंत्रता सेनानी है या उनके घराने से जो जुड़े हुए हैं, और उस मौके का हर बार पार्टी को साथ देते आए हैं, इसका भी ख्याल उन्होंने करना चाहिए। मैं हमारे साहब से सहमत हूँ।